जो उम्मीद थी, उम्मीद से ज्यादा सबकी नजरें इस बात पर थी कि आज ही रिकॉर्ड हाई बन जाएगा निफ्टी पर, लेकिन थोड़ा सा इंतजार अभी लंबा होता हुआ, शायद इंट्राडे में एक पुलबैक आए, लेकिन इस वक्त दूरी हो गई है तकरीबन 125 अंकों के आसपास की रिकॉर्ड हाई से। लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कि एक औपचारिकता ही बची है रिकॉर्ड हाईज की। 18,533 पर आज निफ्टी खुला, जो कि 52 हफ्ते का ऊपरी स्तर है, और खुलने के बाद ही थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई और इस वक्त 18,482 के आसपास एक रेंज में ट्रेड कर रहा है पिछले सवा घंटे के आसपास से जब से बाजार खुला है। लेकिन आज बाजार में हाईलाइट ये है कि निफ्टी बैंक आज फिर से नया रिकॉर्ड बनाया है। निफ्टी बैंक ने पीएसयू बैंकों का जो इंडेक्स है वो 9 दिन लगातार चढ़ चुका है, और कुछ ऐसे स्टॉक्स जो हिलते नहीं थे वहां पर भरपूर एक्शन है। पीएनबी देखिए आज 55 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। एक जमाना था जब ये 30 से 35 रुपए की एक टाइट रेंज में चला करता था, लेकिन अब 55 रुपए के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। 9% के आसपास की जबरदस्त तेजी है शेयर में। तकरीबन अगर हम इसमें देखेंगे तो 3.5 साल की ऊंचाई पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है। बैंकिंग स्टॉक से सपोर्ट है, एचडीएफसी लाइफ आज ऊपर है, कुछ दिग्गज स्टॉक्स भी बाजार को सहारा दे रहे हैं जैसे कि इंडसइंड बैंक, एलएनटी, अल्ट्राटेक, ये स्टॉक्स बाजार को सपोर्ट देने काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ टाटा कंज्यूमर में कल हमने तेजी देखी थी, वहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, 1% ऊपर ये शेयर। इसके अलावा एचयूएल, नेस्ले, एशियन पेंट्स जो कंजम्पशन वाले जो स्टॉक्स है वहां पर थोड़ा सा प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। आईटीसी भी है नीचे और ब्रिटानिया पर भी है आज दबाव, तो एफएमसीजी पैक है आज थोड़ा सा प्रेशर के साथ कारोबार कर रहा है। लेकिन बाजार में आज ब्रॉडर मार्केट को अगर आप देखेंगे तो तेजी के खिलाड़ी हावी होते हुए दिख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो ऑलमोस्ट 3:1 का है, 3 बढ़ने वाले शेयरों के मुकाबले 1 गिरने वाला शेयर है अगर हम एनएससी की बात करें तो, और ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न आपको दिखेगा बीएसई पर, वहां थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि 2 बढ़ने वाले शेयर के मुकाबले 1 गिरने वाला शेयर इस वक्त है। तो अपने एक्सपर्ट से हम ये भी समझेंगे कि क्या नया हाई आज ही बन जाएगा या आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके जो भी सवाल हैं शेयरों पर उस पर अपने एक्सपर्ट्स की हम राय लेंगे। 9167329108 पर आप फोन कीजिए, एसएमएस कीजिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, और सोशल मीडिया पर भी मौजूद है ईटीनो स्वदेश @ईटीनो स्वदेश के जरिए तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पर। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान SBI सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल और सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन। सनी और नीलेश आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका ईटीनो स्वदेश पर। नीलेश, उम्मीद तो ये थी कि आज शुरुआत के साथ ही हम नए शिखर पर पहुंच जाएंगे, लेकिन इंतजार थोड़ा सा लंबा हो गया है। रोलओवर्स के डेटा हमने बहुत ही स्ट्रांग देखे नीलेश दिसंबर सीरीज में, अगर 3 साल के एवरेज देखें तो उससे कहीं ज्यादा रोलओवर हुआ है, तो ये तो साफ है कि मोमेंटम तेजी का है। आप ये बताएं नीलेश कि नया हाई, रिकॉर्ड हाई आज ही बनेगा आज के सत्र में, इसकी संभावना कितनी है और इस लेवल से क्या आप तेजी करने की सलाह देंगे? नमस्कार अभिषेक जी, पूजा जी एंड सभी को। देखिए मैं कहूंगा कि महज एक औपचारिकता रह गई है निफ्टी को ऑल टाइम हाई अचीव करने के लिए। अगर आप फ्यूचर्स में देखें तो ऑल टाइम हाई लेवल्स बन चुके हैं, बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स एवरीडे वहां पे इनफैक्ट देखने को मिल रहे हैं, सेंसेक्स ऑल टाइम हाई लेवल्स पर है। बट मेरी नजर अब उससे ज्यादा इन डेवलपर है कि इन चीजों पर है कि ऊपरी स्तरों पर कहां तक जा सकता है। तो मेरा ये मानना है कि जिस हिसाब से दिसंबर सीरीज के रोल ओवर डेटा अब तक निकल के आए हैं, कल के सेशन में जब एक्सपायरी देखने को मिली थी 82% और 88%, अब तक 3 मंथ्स के एवरेज के हाईएस्ट रोल ओवर हमने देखे हैं। कहीं ना कहीं लॉन्ग साइड में पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है। अब यहाँ से 18,600 तो इमीडिएट जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल्स होगा वो देखने को मिलेगा, उसके बाद 18,800 से 19,000 तक के लेवल हमें दिसंबर सीरीज में ही देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल आज के सेशन में हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो निफ्टी को अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल्स को टेस्ट करना, बट आने वाले सप्ताह में हमें वो लेवल देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद दिसंबर सीरीज के जो हमारे टारगेट निकल के आ रहे हैं वो लगभग 18,800 से 19,000 के होंगे। वही बैंक निफ्टी की ओर नजर डालें तो कन्विक्शन अभी भी बैंक निफ्टी पर ही बना हुआ है। 43,000 का जो साइकोलॉजिकल बैरियर था वो पार हो चुका है। ऊपरी स्तरों पर 43,600 से लेके 44,000 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि ब्रॉडर मार्केट्स में अब तक उस तरह का आउट परफॉर्मेंस, उस तरह का पार्टिसिपेशन हमें देखने को नहीं मिला है। अब इन लेवलों से हमें ब्रॉडर मार्केट पे फोकस करना चाहिए। लार्ज कैप स्टॉक तो ऑलरेडी आउट परफॉर्मेंस दिखा ही रहे हैं, अब निफ्टी बैंक निफ्टी से ज्यादा मेरी नजर ब्रॉडर मार्केट्स पे होगी, वहां पे हमें दिसंबर सीरीज में एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है।
निलेश के निफ्टी पर, निफ्टी बैंक पर ये रहा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सनी से ये जानते हैं कि दिसंबर सीरीज में कहां पर आपको दांव लगाना चाहिए, कहां पर मौके बन सकते हैं। सनी, हमने देखा कि बैंकिंग स्टॉक्स ने काफी आउट परफॉर्म किया है और अभी ये जो रैली जारी है पीएसयू बैंकों में, अगर देखें तो कहीं से भी थकावट के संकेत इस वक्त दिख नहीं रहे। हालांकि कहीं ना कहीं लोग कॉशन बरतने की भी सलाह दे रहे हैं, क्योंकि ये शेयर बहुत ज़्यादा चल चुके हैं। लार्ज कैप पहले चले और मिड कैप चल रहे हैं, कुछ कुछ पैक्स में हम देख रहे हैं कि हल्की प्रॉफिट टेकिंग भी आ रही है। आपको क्या लगता है सनी, कि अगर हम दिसंबर के महीने को देखेंगे, क्योंकि हिस्टोरिकली वॉल्यूम थोड़े से ड्राई अप होते हुए दिखते हैं, एफआईज थोड़े से छुट्टी पे चले जाते हैं, किस तरह का रुझान आपको दिख रहा है इस पूरी सीरीज में? और अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक होकर बात करें तो आप कहां पर खरीदारी करने की सलाह देंगे? गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सो बेसिकली जो जैसे हम लोग निफ्टी लाइफ टाइम हाई के काफी काफी करीब है, तो अब हमें लगता है कि यहाँ से आगे जाकर के सेक्टर रोटेशन होगा। और जिस तरह से हमने देखा कि नवंबर महीने में ऑटो सेक्टर जो था वो काफी अंडर परफॉर्म किया था ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट को, तो हमें लगता है कि एक दिसंबर महीने में ऑटो एज अ सेक्टर इज वन ऑफ द सेक्टर जहाँ फिर से बाइंग दिखेगी। उसके दो कारण है, एक तो क्रूड ऑयल में अच्छी खासी गिरावट आई है, तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग, कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग ऑफ व्हीकल कम कम होती है। और जिस तरह से हमने देखे थे कि सितंबर तिमाही के जो नंबर है उसमें मारुति के नंबर काफी अच्छे आए थे, टीवीएस के नंबर इनलाइन थे, महिंद्रा के नंबर काफी अच्छे थे। तो अभी हम यहाँ से दिसंबर सीरीज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेंगे। तो स्टॉक स्पेसिफिक में अगर मैं सेक्टर की बात करूँ तो सेक्टर लाइक ऑटो, बैंकिंग में मुझे लगता है कि पीएसयू में जो पिछले 8-10 दिन में जो रैली हुई है, अब इसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में जाएगा सनी बैंकिंग सेक्टर। और सनी जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है जैसे कि एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, यहाँ रिसेंटली अभी पिछले कुछ दिनों में एक एनालिस्ट मीट भी की थी इन बैंकों ने और काफी अच्छा आउटलुक, ग्रोथ आउटलुक दिया है। तो मुझे लगता है कि दिसंबर सीरीज में जो रैली है इट विल शिफ्ट इन फेवर ऑफ प्राइवेट बैंक अगेन फ्रॉम पीएसयू बैंक। तो कहीं ना कहीं एक बैंकिंग सेक्टर हमें दिखना चाहिए। फिर एक कैप गुड्स एक सेक्टर है जहाँ हमें वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन कैप गुड्स सेक्टर, कंपनी लाइक लार्सन एंड टुब्रो, एबीबी फॉर दैट मैटर, शेफलर इंडिया विच इज मिक्स ऑफ ऑटो एंड कैप गुड, ठीक है, ये सब कंपनियों में तेजी देखने मिलेगी। ठीक है। तो बैंकिंग के जो हैवी वेट्स हैं, एचडीएफसी बैंक या फिर कैपिटल गुड स्पेस में एबीबी, सीमेंस या फिर दिग्गज एलएनटी, जहां पर हम 2000 रुपये के ऊपर के भाव देख रहे हैं, यहां पर आपके लिए दिसंबर सीरीज में मौके बन सकते हैं, सनी का ये व्यू। लेकिन चलिए अब फटाफट दर्शकों को शो में शामिल करेंगे और यहां से शुरुआत करेंगे उनके सवाल लेने की। नागपुर से दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार जी, मेरे पास में बीपीएल के 1150 शेयर है 126 के दाम से। मुझे जानना चाहूंगा कि इसका फंडामेंटल क्या रहा है इसके बारे में। भंसाली इंजीनियरिंग के आपके पास शेयर हैं 1150 126 रुपए के भाव पर। सनी आप व्यू दीजिए इनके खरीद भाव से, तो शेयर 15-20 रुपए नीचे है ये। यहां से आप किस तरह का मोमेंटम देखते हैं और क्या निवेशित रहने की सलाह देंगे या फिर कुछ बेहतर विकल्प आप सुझाएंगे? वैसे बंसाली इंजीनियरिंग का जैसे कि मैं बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि बंसाली इंजीनियरिंग एक पॉलीमर बनाती है, स्पेशलाइज पॉलीमर, जो कि उसका जो एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री है वो है ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल। तो हमने देखा था कि इसमें लॉकडाउन के समय इन लोगों के जो पर केजी बिटा मार्जिन होता है, पर केजी बिटा या ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो काफी ज्यादा एक्सपेंड हो गया था। और उस वक्त हमने देखा था कि FY21 में कंपनी ने तकरीबन 300 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था। अब चल के ये कहीं मार्जिन नॉर्मलाइज हो गए हैं और क्वार्टरली ये कंपनी अब तकरीबन 40 से 50 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है। तो अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो एट करंट प्राइस वैल्यूएशन काफी आई मीन फेयरली वैल्यूड कंपनी है, ज्यादा ओवर वैल्यूएशन है नहीं। और आगे जाके अगर ऑटो सेक्टर में अगर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वॉल्यूम सनी, ग्रोथ इसमें क्या अगर आप निवेश बनाए रखें शेयर में, आपका ये कहना है? या आई थिंक निवेश बनाए रखना चाहिए, थोड़ा समय के लिए अभी थोड़ा लॉस ठीक में है, है तो निवेश बनाए रखना। ठीक है, निवेश बनाए रखने की सलाह है भंशाली इंजीनियरिंग में। मुंबई से सत्य राव को जोड़ेंगे फोन लाइन पर। सत्य जी गुड मॉर्निंग, पूछिए सर क्या है आपका सवाल? हेलो। जी हाँ सर, मेरा कॉनकॉर के ऊपर सवाल है, जी 62 शेयर है 774 में, और एक डेल्टा क्रॉप है, डेल्टा क्रॉप है, 150 शेयर है 2277 में, 237 पर आपके पास है डेल्टा कॉर्प। ठीक है, कॉनकॉर है 474 रुपये के भाव पर, 765 पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। इस पर आपसे जानना चाहेंगे नीलेश, इनके भाव के आसपास ही है लेकिन हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे एक रेंज में घूमते हुए कहीं ना कहीं शेयर ऊपर थोड़ा सा गया है।
और 765 रुपये के आसपास फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। आपका क्या व्यू है कि अभी थोड़ा सा और समय देना चाहिए और इसका मोमेंटम आपको आगे दिख कैसा रहा है? देखिए अभिषेक जी, नवंबर सीरीज में इस पर्टिकुलर काउंटर में ऑल टाइम हाई लेवल अचीव हुए थे, लगभग 825 के आसपास के हाई बने थे। उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बट फिर से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है। फ्रेश लॉन्ग भी क्रिएट किया जा सकता है और एग्जिस्टिंग लॉन्ग को होल्ड करें। ऊपरी स्तर पर 800 के इमीडिएट टारगेट होंगे और उसके बाद 825 जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल है वहां तक ये काउंटर फिर से जाता हुआ नजर आ सकता है। आउटलुक पॉजिटिव है। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे सुझाना चाहूंगा जो लगभग 730 के आसपास का निकल के आ रहा है। 730 के आसपास का स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और थोड़ा सा अगर पोजीशन पर्सपेक्टिव से देखें तो मेरा ये मानना है कि ये 900 तक काउंटर जा सकता है। वो पोजीशन थोड़ा व्यू होगा शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से 800 एंड 840 के टारगेट्स होंगे। ऑलराइट है, तो ये राय आपको कौन कौर में दे दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और व्हाट्सएप के जरिए हमें सवाल आया है मनप्रीत सिंह जी का। इनके पास पेटीएम के शेयर्स हैं, 300 शेयर्स 950 के भाव पर इनके पास इस वक्त हैं। इस पर आप राय दीजिए सनी, क्या लग रहा है आपको? पेटीएम में काफ़ी सारे जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं पोजीशन लेकर अब फंस चुके हैं। 950 की भाव पे इनकी खरीद है। हाल फिलहाल में अभी जो रिपोर्ट्स आई है, हालांकि उसमें हम देख रहे हैं कि कुछ ऊपर की तरफ के टारगेट्स आए हैं ब्रोकरेज हाउस की तरफ से, उसके चलते आज हम देख रहे हैं 5% की तेजी भी है। बट ओवरऑल क्या व्यू बन रहा है आपका? जिन्होंने काफ़ी पहले से इसमें एंट्री कर ली होगी, उन्हें अभी क्या और इंतजार करने की ज़रूरत है स्टॉक में? हाँ, हमें लगता है कि पेटीएम में अगर किसी ने ऊपर के लेवल पे शेयर ले रखा है तो इसमें जिस तरह से मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि अगले 4 से 6 क्वार्टर में कंपनी डेफिनेटली प्रॉफिट की तरफ जा रही है, तो इफ समबडी वांट टू रिमेन इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म, तो मैं इसमें यही सलाह दूंगा कि इसमें SIP रूट के थ्रू इसको एवरेज कर लेना चाहिए 400 के आसपास के भाव से। और अगर एक साल का नजरिया है तो ओवर द नेक्स्ट 6 to 12 months SIP के थ्रू आप इसको एवरेज कर लीजिए और डेफिनेटली इन्हें एक अच्छे रेट पे एग्जिट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये राय पेटीएम में आपको दे दी गई है। फिलहाल इस वक्त देखें तो इनको काफ़ी नुकसान हो रहा है, बट आज अच्छी तेजी है स्टॉक में, करीब 5% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। चलिए अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं और हमारे साथ उत्तर प्रदेश से अभिषेक जी मौजूद हैं इस वक्त। अभिषेक जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम एंड थैंक्स फॉर टेकिंग माई कॉल। एक्चुअली मुझे 3 शेयर्स उन पे व्यू चाहिए था। मेरे पास अपोलो माइक्रोसिस्टम है 232 की प्राइस पे 100, RBNL है 32 की प्राइस पे 100 एंड HBL पावर है 112 की प्राइस पे 100। तो अभी क्या करना है, आगे का व्यू क्या रखना है? सकते हैं आप इन स्टॉक्स को? चलिए सवाल ले लेते हैं इनका। अपोलो माइक्रो 100 शेयर्स 232 के भाव पर, RVNL के शेयर्स भी हैं इनके पास। एक ही करके सवाल ले लेते हैं इनका। नीलेश, आप सजेस्ट करिए अपोलो माइक्रो में क्या करें? 100 शेयर्स हैं, 232 के लेवल पर इन्होंने लिया हुआ है, हल्का मुनाफा हो रहा है इनको इस स्टॉक में, क्या करना चाहिए? बने रहे या फिर जो भी मुनाफा हुआ है उसको लेकर निकल जाए? देखिए पूजा जी, स्क्रिप्ट में ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं RBNL पे अपना व्यू जरूर शेयर करना चाहूंगा। RBNL ये पर्टिकुलर काउंटर एक सेक्युलर अपट्रेंड में रहा है और अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स लगातार यहाँ पे बनाता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेंड पॉजिटिव है, इन्वेस्टेड रहे यहाँ पर। ऊपरी स्तरों पर 80 तक के लेवल थोड़ा पोजिशन पर्सपेक्टिव से देखने को मिल सकते हैं और मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पे बने रहने की सलाह होगी। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं 65 रुपीज के आसपास, इमीडिएट टारगेट 80 से 85 के यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ HBL पावर, ये एक दूसरा काउंटर था इनका, यहाँ पर भी एक मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव साइड में बना हुआ है, लगातार यहाँ पे हायर टॉप एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे एक बड़ा राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिला था कुछ समय पहले, वो लगभग 70 रुपीज के आसपास थे। तो यहाँ पे भी बने रहने की सलाह होगी। 100 के नीचे का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा, 120-130 के इमीडिएट टारगेट होंगे और ट्रेंड जो है वो दोनों ही स्टॉक में पॉजिटिव है। ठीक है, तो दोनों स्टॉक्स में पॉजिटिव ट्रेंड है, आप दोनों शेयरों पर बने रह सकते हैं, ये राय भी दी जा रही है आपको। दोनों स्टॉक में अच्छा मुनाफा भी हो रहा है आपको, तो अभी भी होल्ड कर सकते हैं इन दोनों स्टॉक में। HBL पावर में भी आपको राय दे दी गई है। अपोलो माइक्रो एक बार सनी से भी समझने की कोशिश करते हैं। सनी, आप ट्रैक करते हैं इस कंपनी को? ये एक डिफेंस रिलेटेड बिजनेस में ये कंपनी,
तो मेरी इनसे ये सलाह रहेगी कि आप अपोलो माइक्रो सिस्टम से अगर आप एग्जिट करके बेटर कंपनी जैसे डेटा पैटर्न या पारस डिफेंस में अगर आप शिफ्ट हो सकते हैं तो मेरी आपको ये सलाह रहेगी कि आप यहाँ से निकल करके बेटर कंपनी में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि ये कंपनी में हमने पाया है कि पिछले 7-8 साल से इनका जो प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंटली 12 से 15 करोड़ के बीच में ही आ रहा है और कंपनी ने कोई ज्यादा ग्रोथ दिखाई नहीं है। तो इट इज बेटर टू शिफ्ट टू अ बेटर कंपनी जहाँ हमें ग्रोथ दिखती है और डेफिनेटली आपका आपका डिफेंस में जो एक्सपोजर है वो भी बना रहेगा इफ यू स्विच फ्रॉम अपोलो टू पारस या फिर डेटा पैटर्न। ठीक है, ये सलाह आपके शेयर पर। आगे बढ़ेंगे जोधपुर से मोहन सिंह हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। मोहन जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास सर GMR इंफ्रा 2,500 है, 35 रुपए में ले रखे हैं और LIC के है 350 और LIC के 300 610 में ले रखे हैं और GVK पावर ये 14,000 है, ये 5 रुपए में ले रखे हैं। तो इनके बारे में, तीनों के बारे में मुझे थोड़ा सुझाव दीजिए। मोहन जी मुझे लगता है कि इन तीनों ही शेयरों के बारे में आपसे मुझे लगता है कि तीसरी चौथी बार बातचीत हो रही है, राइट? आपको पहले भी शायद आपने फोन किया है, सलाह आपको मिली है, लेकिन चलिए फिर से इसका रिव्यू जरूर करेंगे हम। GMR इंफ्रा, इस पर नीलेश आपका क्या व्यू होगा? 40 रुपए के आसपास है, पूरी तरह से अब ये एयरपोर्ट प्ले हो गया है, क्या व्यू देंगे इस पर आप? व्यू पॉजिटिव है, फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है और ऊपरी स्तर पर 42 का एक इमीडिएट हर्डल है, वो लेवल जैसे ही पार होता है यहाँ पे 44 से लेके 40 आ रहे तो 38 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें और यहाँ पे निवेशित रहें। वहीं दूसरा स्टॉक शायद इन्होंने LNT के बारे में पूछा है, LNT भी एक सेक्युलर अपट्रेंड में है, काफी बेहतरीन चार्ट पैटर्न है यहाँ पर, इनफैक्ट मैं कहूंगा यहाँ पे भी बने रहे, लार्ज कैप स्पेस में है, ऊपरी स्तर पर 2,200 तक के पोजिशन टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, थोड़ा सा समय देना होगा, ट्रेंड यहाँ पर भी पॉजिटिव है। ठीक है, ये सलाह आपके लिए, लेकिन आगे बढ़ेंगे। अब जयपुर से अरुण कुमार का सवाल लेंगे और ये आया है व्हाट्सएप के जरिए इनके पास, अडानी विल्मर के 2000 शेयर 786 रुपये के भाव पर। सनी आपसे व्यू जानना चाहेंगे, अडानी विल्मर बहुत तेजी से भागा था लिस्टिंग के बाद और 900 रुपये के आसपास तक पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई, थोड़ा सा शेयर जाहिर सी बात है थोड़ा नीचे तो आते हैं एक तेज़ रनअप के बाद, लेकिन जो नतीजे अभी आए वहाँ पर हमने देखा कि वॉल्यूम तो ग्रो हुआ है लेकिन प्रॉफिट पर कॉस्ट बढ़ने का असर आया और प्रॉफिट में 70% के आसपास की हमने गिरावट देखी। अडानी विल्मर को आप बताइए कि फ्रेश नजरिया दीजिए कि इस तरह से आप किस तरह का स्टीम देख रहे हैं और अरुण कुमार जी को क्या निवेशित रहना चाहिए इसमें अभी? आपने बहुत सही कहा कि ये क्वार्टर में इनकी वॉल्यूम ग्रोथ आई थी और कहीं ना कहीं प्रॉफिट इंपैक्ट हुई थी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, और बट ये कंपनी में एक आगे जाके एक जो लंबा अगर मैं नजरिया लेना चाहूंगा तो ये कंपनी अभी फिलहाल मेजोरिटी इसका रेवेन्यू एडिबल ऑयल से आता है और कंपनी का जो एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाके फूड बिजनेस जो है, वेदर इट इज स्टेपल बिजनेस और जितने भी अलग अलग आटा राइस एंड ऑल दोस प्रोडक्ट ब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। तो लंबे अवधि के लिए मैं अपने दर्शक को ये सलाह दूंगा कि आप बने रहिए स्टॉक में, बट इसमें वही है थोड़ा आपका इन्वेस्टमेंट ऑराइजन थोड़ा लंबा होना चाहिए, इसमें शॉर्ट टर्म के नजरिए से ना देखें ये कंपनी को, डेफिनेटली 3 से 5 साल के ऑराइजन में वी विल सी कि जो फूड बिजनेस का कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें काफी हद तक बढ़ जाएगा और डेफिनेटली उससे इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है और प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी दिखने लगेगी ये कंपनी में। ठीक है, तो ये राय आपको अडानी विल्मर में दे दी गई है। लगातार इस ग्रुप की कंपनियां फोकस में हैं किसी ना किसी की वजह से और इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का भी रुझान इसमें बना हुआ है, तो लेकिन बीच बीच में रिव्यू करते रहिए और स्टॉक पर भी आपको राय दे दी गई है। चलिए अब अगले दर्शक के सवाल को शामिल कर लेते हैं और हमारे साथ लखनऊ से रजत जुड़ चुके हैं। रजत नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। ऑल राइट, व्हाट्सएप के जरिए हमें सवाल आया है, LIC के 15 शेयर्स 949 के भाव पर, ये IPO के समय का अलॉटमेंट लग रहा है इनका, तब से ये होल्ड किए हुए हैं और नुकसान काफ़ी हो चुका है। ऐसा नहीं पेटीएम पर थोड़ी देर पहले आपने राय दी थी, ऐसा ही कुछ LIC में भी हुआ है इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के साथ जिन्होंने IPO के समय इसमें एंट्री ले ली थी, अब उसके बाद उनको यहाँ पर लगातार देखिए नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्या व्यू बन रहा है आपका ओवरऑल LIC पर? LIC के जो रिसेंट क्वार्टर के जो नतीजे आए थे उसमें कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि जो मैनेजमेंट ने IPO के वक्त गाइडेंस दिया था कि जो प्रॉफिटेबिलिटी अगले 4 से 6 क्वार्टर में डेफिनेटली बढ़ेगी तो वो डेफिनेटली दिख के आ रही है, बट अगर आप LIC में लंबे समय के निवेशक हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको एक मुनाफा देखने मिलेगा, बट अगर आप इफ यू आर
पोजिशनल ट्रेडर या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप LIC से निकल करके यू कैन शिफ्ट टू अ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज लाइक ICICI लोम्बार्ड या फॉर दैट मैटर HDFC लाइफ, जहाँ थोड़ा सा आपको फास्ट पैसा बनाने का मौका मिलेगा। बट अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली बने रहे LIC। ठीक है, बने रहने की सलाह है ICICI लोम्बार्ड में। महेश जी का सवाल है सोशल मीडिया के जरिए, इनके पास है गोदरेज प्रॉपर्टीज के 200 शेयर 1617 रुपए के भाव पर, इस वक्त ट्रेड कर रहा है शेयर 1300 रुपए के आसपास, और अपने जो ऊंचाई है इसकी 52 हफ्ते की, वहां से 1000 रुपए ये शेयर सस्ता है, काफी ज्यादा ये नीचे आया है, करेक्ट हुआ है। सनी, आपसे ही जानना चाहेंगे कि आप देखिए बहुत ज्यादा करेक्ट हो गया शेयर, हालांकि पिछले क्वार्टर के यानी कि सितंबर तिमाही के जो नतीजे आए वो ठीक ठाक आए थे, लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी जो वैल्यूएशंस हैं वो कंफर्टेबल रेंज में आ गए हैं, क्या करीब करीब 90 के आसपास का पी क्या जस्टिफाइड है, और आप मौजूदा लेवल से किस तरह की चाल देख रहे हैं शेयर में? आपने बहुत सही कहा कि वैल्यूएशन कहीं ना कहीं करेक्शन हुआ है वैल्यूएशन में, और एक कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस के मैं पर्सपेक्टिव से देखूं तो 1200-1300 का कहीं स्टॉक ने एक बेस भी बनाया है। तो अगर आप अगर लंबी अवधि के इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली इसमें बने रहना चाहिए, और या तो अगर इफ समबडी वांट टू एग्जिट एंड मूव टू अ फास्ट मूविंग स्टॉक जैसे नेस्को है, नेस्को कहीं ना कहीं एक कमर्शियल प्रॉपर्टी ओनर है, बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर ओन करता है, और हमने देखा कि कोविड के बाद यह पहला क्वार्टर है कि जहां नेस्को में काफी अच्छे नंबर आए थे। तो अगर इफ यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर वहां से निकल करके नेस्को में आ सकते हो, और अगर लंबे समय के इन्वेस्टर है तो आप या तो उसमें एवरेज कर लीजिए या तो बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है गोदरेज प्रॉपर्टी में। ऑलराइट, ठीक है, तो ये राय आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज पर दे दी गई है। अगला सवाल ले लेते हैं, कन्हैया लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्ते मैम, मेरा BHEL है, भेल है 31 रुपये के रेट पे 500, तो उसको रखना है ना प्रॉफिट बुक करूं? ओके, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, काफी अच्छे लेवल पर BHEL में आपने एंट्री की, क्योंकि BHEL ऐसा स्टॉक रहा बहुत कम ऐसे निवेशक हैं जिनको कि मुनाफा दे रहा होगा ये स्टॉक, बट आपने काफी अच्छे लेवल पर एंट्री लिया और क्लियरली देखिए उसका फायदा आपको मिल रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए आपने होल्ड भी किया। क्या करना चाहिए सनी, आप ही सजेस्ट करिए, लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, होल्ड कर रहे हैं और शानदार गेन हो रहा है इनको स्टॉक में, 77 के आसपास इस पर स्टॉक कारोबार कर रहा है, शेयर की क्वांटिटी थोड़ी लो है इस वजह से ज्यादा बड़ा मुनाफा नहीं है, लेकिन प्राइस के फ्रंट पर गेन अच्छा है, अभी भी बने रहना चाहिए और गेन के लिए या फिर निकल जाए? पहले तो मैं भी बधाई देना चाहूंगा हमारे दर्शक को जिन्होंने काफी अच्छा पैसा बनाया BHEL में, उनकी एंट्री लेवल काफी अच्छी थी। अगर मैं लंबी अवधि का इसमें व्यू बनाना चाहूंगा तो BHEL में हमने देखा है कि रिसेंटली कंपनी एक नॉन पावर सेक्टर में डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है, और हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं इसके जो बेनिफिट है ये अगले 12-18 महीने में दिखने लगेंगे। तो अगर आप लंबी अवधि के इन्वेस्टर है तो इसमें बने रहिए डेफिनेटली, और इसमें आगे पैसा बनाने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो आप बने रहिए स्टॉक में। कुछ अगले दर्शक का सवाल लेंगे वीर सिंह का, जो आया है सोशल मीडिया के जरिए, इनके पास है PNB के 2000 शेयर 32 रुपए के भाव पर। PNB आज निकल गया है 55 रुपए के भी पार, और ये करीब करीब 2.5-3 साल के आसपास का ये ऊपरी स्तर है अगर हम शेयर की बात करें तो। PNB सनी, PNB हमने देखा था कि जून में 28 रुपए के आसपास तक का भाव आ गया था, वहां से अगर जोड़ेंगे तो शेयर डबल हो गया है। पहले तो आप ये बताइए कि उन निवेशकों को क्या करना है जो स्मार्ट थे, जिनको PNB में भरोसा दिखा और 28-30-35 रुपए के बीच में खरीदारी की, उसमें से वीर सिंह जी भी एक हैं, आप क्या भी ये निवेशित रहें? और दूसरा ये बताइए कि चूंकि इतना शेयर चल गया है तो जो नए निवेशक हैं जिनके मुंह में कहीं ना कहीं पानी आ रहा होगा शेयर देख के, आज 7% 8-9% ऊपर है शेयर, क्या अभी भी मौका है या फिर थोड़ा सा मामला रिस्की हो गया है? तो पहले तो जो जिन निवेशकों ने ये शेयर नीचे के भाव में ले रखा है, मैं उनसे ये सलाह दूंगा कि वो या तो ये शेयर में प्रॉफिट बुक करके जो बेटर PSU बैंक्स है जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जहाँ रिलेटिवली नंबर बेहतर आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अर्निंग,
और एसेट क्वालिटी के टर्म्स में, तो मैं उन्हें यह सलाह दूंगा कि टू बी ऑन अ सेफर साइड अगर आप प्रॉफिट बुक करके बेटर क्वालिटी ऑफ पीएसयू बैंक में शिफ्ट हो जाए तो वो एक एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल स्ट्रेटेजी होगी यहाँ से शिफ्ट करने में। और अगर कोई यहाँ से फ्रेश एंट्री पोजिशन बनाना चाहेगा पीएनबी में, तो मैं उन्हें यह सलाह दूंगा कि थोड़ा समय रुक करके, सिंस पीएसयू बैंक में काफी अच्छी रैली हुई 8-10 दिन में, तो थोड़ा सा कंसोलिडेट होने दीजिए। मे बी बिलो 50 कहीं अगर ये स्टॉक आता है तब हमें इन्हें फ्रेश नजरिए से देखना चाहिए। हालांकि हमारा जो टॉपिक है पीएसयू सेक्टर में वो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही रहा है और यूनियन बैंक रहा है। तो अगर जहां जहां छोटे जो मिड कैप और स्मॉल कैप जो पीएसयू बैंक है वहां से हमारी ये सलाह रहेगी कि प्रॉफिट बुक करके बेटर क्वालिटी पीएसयू बैंक में शिफ्ट होना चाहिए। सनी, क्या सलाह आप देंगी, SBI में स्विच कर लें या फिर प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में HDFC बैंक, ICICI बैंक ये बेहतर विकल्प होंगे? सॉरी, SBI के ऊपर कंप्लायंस के एंगल से मैं व्यू नहीं दे सकता हूं। तो इन्हें या तो क्वालिटी पीएसयू बैंक है जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा या कैनरा बैंक या यूनियन बैंक, वहां शिफ्ट हो जाना चाहिए, या तो भी प्राइवेट साइड में HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक यहां शिफ्ट हो सकता है। और रिटर्न इन्वेस्टर है और वो थोड़ा सा एग्रेसिव ग्रोथ दिख रहा है तो ही कैन डेफिनेटली लुक एट IDFC फर्स्ट बैंक आल्सो। तो मल्टी ईयर हाईस पे चल रहे हैं जो छोटे मझोले जो बैंक हैं सरकारी खेमे के, और उसको लेकर ये राय सनी की। IDFC फर्स्ट बैंक में भी आज अच्छी तेजी है और यहाँ पर भी चाहे तो अपनी पोजीशन को आप स्विच कर सकते हैं। एक ऑलरेडी आपने एक बड़ी तेजी देख ली। आगे बढ़ेंगे, फोन लाइन पर जुड़ेंगे बलवीर सिंह जी को। बलवीर सिंह जी नमस्कार, पूछिए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार सर, मेरे पास पावर सेक्टर के शेयर है जी, 335। कौन सा शेयर है? टाटा पावर। हाँ जी, टाटा पावर 335, 209 रुपए के लगभग रेंज पे लिया हुआ है। ठीक है, टाटा पावर है 209 रुपए के भाव पर 335 शेयर। नीलेश, टाटा पावर हमने 300 रुपए के भी भाव देखे और उस भाव के पीछे बहुत सारी वजहें थी। एक्चुअली कुछ फंडामेंटल ट्रिगर थे, कुछ जियोपॉलिटिकल ट्रिगर थे जो शेयर को ऊपर लेकर गए थे और पूरा का पूरा पावर साइकिल ही अप टर्न में था उस वक्त। उसके बाद हमने देखा कि भाव नीचे आया, 200 रुपए के आसपास आया और उसके आसपास की हम देख सकते हैं कि ये बाइंग है शायद बलबीर सिंह जी की, लेकिन उसके बाद हमने बड़ी तेजी देखी नहीं है। जो ट्रिगर बने थे, रिन्यूएबल स्पेस में जा रहे थे वो, चार्जिंग इंफ्रा में उतर रहे थे कंपनी, ये सारे के सारे मोमेंटम को बना के मोमेंटम में बना हुआ था इनके चलते। यहां से आपको किस तरह की चाल दिख रही है और क्या चार्ट्स इसके अभी भी आपको मजबूत दिख रहे हैं? क्या इस लेवल पर बलवीर सिंह जी निवेशित रहे और जो दूसरे लोग लेना चाहते हैं क्या वो ले सकते हैं टाटा पावर? देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि खरीदारी इनकी अच्छे लेवल पर हुई है और वहां से कहीं ना कहीं एक बेस फॉर्मेशन बना है और जिस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ उनकी खरीदारी काफी लंबे समय पहले की है, उन्होंने लगभग 3-4 महीने का वक्त हो चुका है। तो उसके बाद काउंटर ने 248 के लेवल भी छुए थे, उसके बावजूद इन्होंने इस पोजीशन में बने हुए हैं। इसका मतलब ये कि ये थोड़ा सा लंबा नजरिया है इनका, यहाँ पे बिल्कुल बने रहने की सलाह होगी। अब यहाँ पे करना ये होगा, सबसे पहले तो एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें जो लगभग 214 रुपए के आसपास आ रहा है और ऊपरी स्तर पर 230-235 ये जोन में इमीडिएट बेसिस पे हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पे करंट लेवल पे फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है और एग्जिस्टिंग लॉन्ग को होल्ड करके चले। जैसे ही यहाँ पे 235 का लेवल पार होगा ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कंसीडर होगा, उसके बाद फिर से हमें 250 के ऊपर ये काउंटर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो टेक्निकली ये काउंटर इन लेवलों पर अच्छा नजर आ रहा है, यहाँ पे बने रहने की सलाह होगी। ठीक है, टाटा पावर पावरफुल रहेगा, 250 रुपए तक के स्तर इसमें दिख सकते हैं। लेकिन आज अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं आज फोकस में है और उसकी वजह यह है कि अडानी एंटरप्राइजेस की एक बहुत ही क्रूशियल बोर्ड बैठक होने जा रही है और ये बोर्ड बैठक होगी पूंजी जुटाने को लेकर, फंड्स रेज को लेकर ये बोर्ड बैठक है। कितने फंड रेजिंग का प्लान है, क्या कुछ डिस्कस हो सकता है, क्यों कंपनी पूंजी जुटा रही है ये ग्रुप, ये जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद बताइए क्या है बैठक का मुख्य एजेंडा और कितनी पूंजी जुटाने पर विचार होगा? जी हाँ, आज फोकस में रहेगा अदानी एंटरप्राइजेज और आज अहम बोर्ड मीटिंग है फंड रेज के लिए और इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि एजेंसीज द्वारा जो है एक्सपेक्टेड है कि एक FPO आ सकता है
जो लगभग 14 से लेकर 19,000 करोड़ तक का रह सकता है। और इसके अलावा अगर करंट मार्केट प्राइसेस में देखें तो एक इक्विटी डाइल्यूशन देखने मिल सकती है 3 से लेकर 4% तक अगर आप एक्सपैंडेड इक्विटी बेसिस पे ले तो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि जो एजेंसीज कह रहे कि ओवरऑल ग्रुप जो है लगभग 40,000 करोड़ इक्विटी के जरिए जो है जुटाने का कोशिश कर रहा है, और ये पूरे ग्रुप कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है। याद रखिए अदानी ग्रुप का 7 लिस्टेड कंपनीज है और ये फंड रेजिंग जो हो रही है वो कर्ज कम करने के लिए हो रही है। और ये बात इसलिए है क्योंकि बैंक्स ने भी अर्ज किया अदानी ग्रुप को कि अपनी वो लिवरेज कम करेंगे। इंपॉर्टेंट पोटेंशियल इन्वेस्टर्स की बात करें तो आपके मिडल ईस्ट के इन्वेस्टर्स हैं मुबादला, ADIA, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी हुआ, फिर कैनेडियन पेंशन फंड भी जो है लिस्ट में है, रॉयल ग्रुप और ADQ भी है। लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़ों की भी बात कर लेते हैं जो कंसोलिडेटेड बेसिस पे पूरे अदानी ग्रुप पे जो है फोकस रहेगा। मार्केट कैप देखें तो लगभग 19 लाख करोड़ का रहेगा। बोरोइंग्स जो होती है, कर्ज जो होती है, वो 2.2 लाख करोड़ के ऊपर है। और जो डेट टू एबिटडा रेशियो है कंसोलिडेटेड बेसिस पे पूरे ग्रुप का वो ऑलमोस्ट 6.7 टाइम्स है। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो कहीं ना कहीं कर्ज को लेकर बैंकों ने थोड़े से कंसर्न्स थोड़े से जाहिर किए हैं। और आप देखिए 45,000 करोड़ रुपए का कर्ज अडानी पोर्ट्स पर, अडानी पावर पर 45,000 करोड़ रुपए का, बाकी ग्रुप कंपनियों पर भी यही स्थिति है। तो 14,000 करोड़ रुपए से लेकर 19,000 करोड़ रुपए FPO के जरिए, यानी कि कंपनी में हिस्सेदारी बेचकर फिर से कंपनी जुटाने की योजना बना रही है। और ये खबरें निकल के आ रही हैं कि कहीं ना कहीं अब दिक्कतें हो रही हैं पूंजी जुटाने में इस ग्रुप को। आप नीलेश, आप से ये समझना चाहेंगे कि अडानी एंटरप्राइजेस की अगर बात करें तो ये शेयर 1,500 से लेकर इसने 4,000 रुपये के तक के आसपास का सफ़र तय किया और वहाँ पर एक ठिठक हमने देखी शेयर में, वहाँ थोड़ा थमता हुआ दिखा। इसके स्ट्रक्चर आपको क्या कह रहे हैं नीलेश, क्योंकि बहुत ज़्यादा रफ्तार से शेयर दौड़ा है ये, आपको क्या लगता है कि ये मोमेंटम बना रहेगा या फिर ये शेयर थोड़ा सा साइडवेज होगा, अब थोड़े से दायरे में ही ट्रेड करेगा ये? और इतनी शार्प रैली के बावजूद के बाद इन लेवलों पर कंफर्ट नहीं आ रहा है। अब अगर आप देखें टेक्निकली 150 के आसपास के लोस थे लगभग एक साल पहले, दो साल पहले, उसके बाद काउंटर लगभग 4,000 के आसपास पहुंच चुका है। तो इन लेवलों पर अगर खरीद रहे हैं तो रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है वो काफी अनफेवरेबल है। तो यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करने की सलाह मेरी ओर से तो नहीं होगी। और जिस हिसाब से ओवरऑल स्ट्रक्चर स्पेन आउट हो रहा है तो मेरा ये मानना है कि जिस हिसाब से एक तरफा तेजी हुई है उसी प्रकार का एक गिरावट भी यहाँ पे आ सकती है। तो कॉशियस एडवाइस है जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है, एक स्टिक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पे मेंटेन करने की सलाह दी जो लगभग 3,800 के आसपास का आ रहा है। अगर अडानी ग्रुप में ही अगर कोई बेटर काउंटर नजर आता है तो वो है अडानी पोर्ट। थोड़ा सा कम वॉलेटाइल है और यहाँ पे FNO में है काउंटर और यहाँ पे थोड़ा सा कुशन कंपैरेटिवली जो हम जिसे वॉलेटिलिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे थोड़ा बेटर नजर आता है। 850 के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 900-920 तक का मूव हमें अडानी पोर्ट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, 920 तक के मूव्स अडानी पोर्ट्स में देखने को मिल सकते हैं। अहमदाबाद से दलजीत जी को जोड़ेंगे फोन लाइन पर। दलजीत जी नमस्कार, पूछिए कौन सा शेयर है आपके पास? हाँ गुड मॉर्निंग सर जी। सर मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा है, एट द रेट ऑफ परचेज 122 रुपीज 500 शेयर, एंड कैनरा बैंक परचेज ऑफ 90 रुपीज 158 शेयर। तो मुझे पूछना था मैं इसको कब तक होल्ड करूँ, मीन्स कहाँ तक ये लेवल जाएगा? और एक क्वेश्चन ये था कि बलरामपुर जिले में मुझे अगर इन्वेस्ट करना है तो कौन से लेवल पे इन्वेस्ट करना चाहिए? ठीक है, चलिए आपको तो सारे ही के सारे जितने भी शेयर आपके पास हैं आपको ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है। दलजीत जी पहले तो आपको बहुत बधाई शुभकामनाएं। सनी अभी आपसे हम PSU बैंकों पर राय ले रहे थे। BUB देखिए इस साल की अगर बात करें तो इस साल में शेयर ये डबल हो गया है, 52 वीक्स हाइज पे ऑलरेडी ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ से भी आप मूव देख रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में, कैनरा बैंक में भी वही हाल है, 95 पर देखिए खरीदा है और इस वक्त अच्छे खासे गेंस पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 330 रुपये के आसपास का भाव है, बहुत ज़बरदस्त मुनाफा इसमें हो रहा है, पुरानी खरीद लगती है इसमें। तो क्या सलाह होगी आपकी? मेरी इन्हें यह सलाह रही कि दोनों बैंकों में बने रहे, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक में। बैंक ऑफ बड़ौदा में हमें हमारा जो फेयर वैल्यू है उसका तकरीबन 180-200 रुपीज का प्राइस टारगेट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, और कैनरा बैंक में हमें लगता है कि 380-400 इज द फेयर वैल्यू ऑफ कैनरा बैंक। तो इसमें दोनों बैंकों में बने रहना चाहिए। ठीक है, दोनों बैंकों में बने रहने की सलाह है, लेकिन बलरामपुर चीनी को खरीदने पर विचार कर रही हैं दलजीत जी।
निरेश 363 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है, और अगर इसमें हम देखेंगे तो हाल फिलहाल एक करेक्शन के बाद फिर से शेयर संभालने की कोशिश कर रहा है। हमने देखा था 300 रुपए के आसपास तक गया था, वहां से फिर से 350 रुपए के ऊपर ये आ गया है। केनरा बलरामपुर चीनी, इस भाव पर आपको ये सही लग रहा है शेयर अभी? बिल्कुल, अब सीधी देखिए खरीदा जा सकता है, अगर थोड़ी और गिरावट हो तो थोड़ा और यहाँ पे बेटर रिस्क एंड रिवॉर्ड बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे जो सपोर्ट है वो हायर साइड में शिफ्ट हो चुका है, लगभग 340 के आसपास का सपोर्ट निकल के आ रहा है। अगर थोड़ी गिरावट होती है 355 से 350 की रेंज में, तो वहां पे इसे फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। ऊपरी स्तरों पर 380 से लेके 390 तक के इमीडिएट टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल अगर हम शुगर स्पेस की बात करें तो दो स्टॉक हमें पसंद आते हैं, एक तो है बलरामपुर चीनी और दूसरा है रेणुका शुगर, तो दोनों में खरीदारी की जा सकती है गिरावट पे। ठीक है, बलरामपुर चीनी पर ये व्यू और दूसरा विकल्प भी आपको बता दिया नीलेश ने। उत्तर प्रदेश से चंदन को जोड़ेंगे फोन लाइन पर। चंदन नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास और क्या सलाह चाहिए? हेलो जी, जी मुझे अदानी गैस के बारे में मुझे जानकारी लेना था। मेरे पास 2000 शेयर है 202 के भाव पे, उसे एग्जिट करें या बने रहे? उसके बाद अदानी ट्रांसमिशन का भी मेरे पास पड़ा हुआ है, 244 के भाव पे 1440 का शेयर है मेरे पास, कब से है आप ये बताइए, और क्या कभी मन में ऐसा नहीं आया कि बहुत मुनाफा हो गया अब भेज दें शेयर? मेरी पर्सनल होल्डिंग है सर, 202 के भाव में मेरे पास पड़ा हुआ, मतलब इतना शेयर, और अदानी ट्रांसमिशन का 244 के रेट पे पड़ा हुआ है। अदानी गैस आपके 202 पे है? जी 202, इसका मतलब कि जो आपका प्रॉफिट हम दिखा रहे हैं उससे भी डबल हो गया ये तो। जी जी, और अदानी ट्रांसमिशन का भी मेरे पास पड़ा हुआ है 244 के रेट पे, 1440 शेयर है मेरे पास। मेरे पास और कुछ था तो मैंने पहले उसको सेल कर दिया, तभी इसमें से पूरा एग्जिट कर जाए, या क्योंकि शेयर का भाव काफी मतलब फ्लक्चुएट कर रहा है, अप डाउन हो रहा है काफी। अदानी ट्रांसमिशन 244 पे इनके खरीद भाव से ये शेयर का तकरीबन 12 गुना हो गया है, और इस वक्त इनको देखिए करीब करीब 35 लाख का मुनाफा हो रहा अदानी ट्रांसमिशन से। अदानी गैस से भी करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट, तो ये दो शेयर, और ये कहता है अपने आप में कहानी कि अगर आप समय देते हैं, भरोसा करते हैं और सही वक्त पे सही शेयर अगर आप चुनते हैं तो स्टॉक मार्केट के लिए क्या कर सकता है, उसका एक अद्भुत नमूना है। चंदन पर ये बताइए आप करते क्या हैं? मैं एक्चुअली मैंने MBA किया हुआ है, मैं तो इसमें इन्वेस्टर ही लॉन्ग टर्म से, मतलब मैं दुबई से, मतलब इससे 8-10 साल से मैं इसमें काम कर रहा हूं। जी तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं मैं इसमें, तो काफी दिनों से मैं इसमें काम कर रहा हूं। आप दुबई में रहते हैं अभी? अरे दुबई में अभी मैं कोविड में इंडिया चलाया। चलिए अच्छा किया, फर्क पड़ता है क्योंकि जिसके पास इतनी बढ़िया स्टॉक्स हो और इतनी क्वांटिटी में अच्छी होल्डिंग हो। सनी आप बताइए, खोने के लिए कुछ नहीं है, सलाह भी ले रहे हैं, ये भी मानना चाहिए कि रेस्पेक्ट करते हैं जो हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट्स हैं या फिर जो टेक्निकल एनालिसिस है या फिर हमारे चैनल्स में हमारे जो एक्सपर्ट्स ओपिनियन शेयर करते हैं। आप चंदन हमारे व्यूअर हैं काफ़ी रेगुलर, आप ये बताइए कि इतनी बड़ी तेज़ी अभी भी निवेशित हैं, ये भी कमाल की एक बात है, कई बार ना पेशेंस जवाब दे जाता है, क्या सलाह देंगे सनी, प्रॉफिट टेकिंग कर लें या फिर बने रहें अभी शेयर में? मेरे हिसाब से पहले तो बहुत बहुत बधाई, इतना बड़ा प्रॉफिट और इतने लंबे समय से इन्वेस्टेड है अदानी ग्रुप में। बट अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो अदानी ग्रुप में कहीं ना कहीं वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं होते, अपार्ट फ्रॉम अदानी पोर्ट या अदानी विल्मर को अगर मैं छोड़ूं तो बाकी कोई कंपनियों में वैल्यूएशन वाइज जो करंट मार्केट कैप है वो जस्टिफाई नहीं होता है। तो मेरी तो यही सलाह रहेगी कि इन्हें इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए और थोड़ा समय वेट करना चाहिए। और आज वैसे भी अदानी एंटरप्राइजेस में फंड रेजिंग का जो अनाउंसमेंट है उसमें ये देखना होगा कि हमें किस तरह के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि अगर मैं देखूं अदानी ग्रुप कंपनियों में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की पार्टिसिपेशन एकदम निग्लिजिबल है, तो अगर ग्रेजुअली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की पार्टिसिपेशन बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं एक सीट को लंबी अवधि के लिए एक इसमें कॉन्फिडेंस आएगा ये ग्रुप में।
बट हालांकि चंदन जी इसमें काफी लंबे समय से और काफी अच्छे मुनाफे पे बैठे हुए हैं, तो मैं उन्हें ये सजेशन दूंगा कि इन्होंने प्रॉफिट बुक करके एक बार थोड़ा साइडलाइन हो जाना चाहिए अदानी ग्रुप से, और आगे की रणनीति देखते हुए फिर से देन वी कैन टेक अ फ्रेश कॉल ऑन अदानी ग्रुप। ठीक है चंदन, आपके लिए ये व्यू, बाकी आगे आपकी इच्छा। आगे बढ़ेंगे, विश्वदीप गर्ग का सवाल लेंगे। इनके पास है बीपीसीएल के 280 शेयर 469 रुपए के भाव पर। आज हम देख रहे हैं कि बीपीसीएल में तेजी है और तेजी की वजहें विजिबल है, जिस तरह से क्रूड में हमने नरमी देखी है, $85 के आसपास जाकर अब ब्रेंट ट्रेड कर रहा है। नीलेश, इसमें हालांकि इनको लॉस हो रहा है, इनके भाव से तो काफ़ी ज़्यादा नीचे है, तकरीबन 140 रुपए नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक से उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो नुकसान हो गया है उसके जल्द हाल फिलहाल 2-4-6 महीने भरपाई हो पाएगी, या फिर बहुत ज्यादा समय देना पड़ेगा और बेहतर ये है कि कहीं और शिफ्ट कर जाएंगे? देखिए, ये पर्टिकुलर काउंटर में स्पेस की बात करें, ओएमसी स्पेस में काफी लंबे समय से हमने एक ग्रेजुअल डिक्लाइन देखने को मिला है और एक लंबा कंसोलिडेशन हमने देखा है, एक अंडर परफॉर्मर रहा है ये सेक्टर। अब इन लेवलों पर जब एक फॉल हम ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं, यहाँ पे एग्जिट करने की तो सलाह नहीं होगी। जिस हिसाब से क्रूड ऑयल प्राइसेस में भी हम एक फॉल एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, ऑलरेडी हमने काफी अच्छा करेक्शन विटनेस कर चुके हैं, तो इन लेवलों पर ओएमसी थोड़े से बेटर प्लेस नजर आते हैं। स्पेसिफिकली अगर इसी सेगमेंट में रहना है तो आईओसी थोड़ा ज्यादा बेटर प्लेस नजर आता है, काफी अच्छी डिविडेंड यील्ड है और उसके साथ साथ टेक्निकली एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है। अगर आईओसी की बात करें तो ऊपरी स्तरों पर 80 से 85 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो अगर ये शिफ्ट करना चाहते हैं तो आईओसी बेहतर विकल्प होगा। अगर इसी पर्टिकुलर काउंटर में बने रहना चाहते हैं तो 300 के आसपास का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखें, ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा समय देना होगा। नेक्स्ट 6 to 8 months के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे 400 तक के लेवल यहाँ पे आते हुए नजर आ सकते हैं, तो सबसे पहले तो बने रहने की सलाह होगी, एक ट्रेनिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ठीक है, ये सलाह आपके लिए नीलेश की तरफ से, लेकिन आप स्क्रीन पर देखिए अभी फ्लैश हो रही है, हमारी टिकर टीम लगातार अगली जानकारी लेकर आ रही है कि बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत ही अच्छा मोमेंटम है। आज देखिए इंडसइंड बैंक आज इंडेक्स को सपोर्ट देने का काम कर रहा है, सबसे ज़्यादा चढ़ने वाला ये शेयर में शुमार है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कुछ और ऐसे स्टॉक्स, एक्सिस बैंक, वहाँ पर भी अच्छी तेज़ी है, इंडेक्स का पार्ट है, 1% के आसपास की तेज़ी आज है, लेकिन सितंबर के बाद से अगर इस शेयर की बात करें तो करीब करीब 22% के आसपास का रिटर्न दिया है। इस मजबूत रिटर्न के पीछे क्या कारण है, बैंक के फंडामेंटल्स कैसे हैं, किस तरह से बैलेंस शीट बैंक की हेल्दी हो रही है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी हर्ष जुड़ गए हैं हमारे साथ। हर्ष, बहुत ही सॉलिड रिटर्न एक्सिस बैंक में और इनफैक्ट पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री फ्लेवर में है, एक्सिस बैंक को क्या ट्रिगर मिल रहा है और यहाँ से किस तरह से और मजबूत होगा बैंक ये? जी हाँ, एक्सिस बैंक एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया है सिंस एंड ऑफ सितंबर, 22% रिटर्न दिया है एंड ऑफ सितंबर से, और जब हम रिजल्ट के बाद भी देखें तो वो रिटर्न ऑलमोस्ट 7-8% आया है, तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न देता हुआ, तो काफ़ी फोकस में एक्सिस बैंक रहा है और वो सजेस्ट करते हैं कि वो तीन चीज़ों पर फोकस करेंगे, एक है ग्रोथ, उसके साथ है प्रॉफिटेबिलिटी और तीसरा है सस्टेनेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी वो लोग सजेस्ट करते हैं कि निम्स और आरओई इम्प्रूवमेंट से होगा, वो सजेस्ट करते हैं कि जो उनका करंट बैलेंस शीट है वो काफ़ी स्ट्रांग है, निम्स इम्प्रूव होए जा रहे, ऑलमोस्ट 4% निम्स आए हैं ये पर्टिकुलर क्वार्टर में और ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग है, 17% प्लस एडवांसेस ग्रोथ एक्सिस ने क्लॉक किया ये पर्टिकुलर क्वार्टर में। डिपॉजिट साइड पे भी उन्होंने सजेस्ट किया है कि 6.5% ऑफ इंक्रीमेंटल डिपॉजिट्स उन्होंने कैप्चर किया है मार्च 2020 से, वो भी उनका बढ़ता हुआ लार्जर डिपॉजिट शेयर पाए जब हम देखें तब। ग्रोथ वो सजेस्ट करते हैं H1 FY23 से पूरा प्रॉफिट से फंडेड है, तो इंटरनल अक्रूवल्स काफ़ी स्ट्रांग आता हुआ और प्रॉफिटेबिलिटी से वो ग्रोथ फंड कर रहे हैं। आप क्यों प्रॉफिट्स हायर है, उनका रिस्क कल्चर इम्प्रूव हुआ है, यही वो सजेस्ट करते हैं कि आगे जाके भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रिस्क कल्चर अच्छा रहे गोइंग फॉरवर्ड। इन टर्म्स ऑफ एंसिलरी सर्विसेज, उनका जो प्राइवेट क्लाइंट बिजनेस है 30 richest Indians को ऑलरेडी कैटर करता है, तो वो एक अच्छा अचीवमेंट आता हुआ, और उनके पास 430 मेंबर इन हाउस प्रोडक्ट डिज़ाइन टीम है जो उन्होंने अलॉट किया है फॉर प्रोडक्ट डिज़ाइन गोइंग फॉरवर्ड। जो उनका लेंडिंग है फोकस ज़्यादा SME और मिड कॉरपोरेट होलसेल में रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। SME ऑलरेडी एक
ऑलमोस्ट 28% कैगर पे ग्रो हुआ है लास्ट 3.5 साल में, और ये कोविड का टाइम है, उसके बावजूद भी काफ़ी एक अच्छा ग्रोथ डेमोन्स्ट्रेट करता हुआ। रूरल में वो अंडर रिप्रेजेंटेड है, बैंक ने एक्नॉलेज किया है वो, एंड गोइंग फॉरवर्ड वो भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उन्होंने कहा है कि वो कस्टमर एक्सपीरियंस पे फोकस करेंगे, जो कि एक उनका स्पर्श प्रोजेक्ट या इनिशिएटिव है, उसके थ्रू वो कस्टमर एक्सपीरियंस पे भी फोकस करेंगे। उनको लगता है वो एक की है गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो तीन चीज़ें हैं मोटा मोटी। बैलेंस शीट पर फोकस करेंगे, उसको क्लीन करने पर, उसको हेल्दी बनाने पर, तेज ग्रोथ पर, और NIM यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो ब्याज जो कमाते हैं उस पर जो उनको मार्जिन जो मिलता है उसको बढ़ाने पर बैंक फोकस करेगा। और अच्छी चीज़ यह है कि अपने पैसे से बैंक ये ग्रोथ हासिल कर रहा है H1 FY23 की जो रही है, और 2020 के बाद कासा मार्केट शेयर, कॉस्ट अकाउंट सेविंग अकाउंट, जो कि बहुत ही क्रूशियल चीज़ होती है बैंकों के लिए, वहाँ पर 6.5% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। तो एक्सिस बैंक 3 महीने में देखिए 20% के आसपास के रिटर्न, 886 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है। नीलेश जी, एक सवाल आपके सामने मैं रखूँगा और थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी होगा, क्योंकि जब चारों तरफ हरियाली हो तो उसमें से एक अच्छा चुनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप ये देखिए, एक्सिस बैंक या फिर इंडसइंड बैंक ऑलमोस्ट सिमिलर पी पर ट्रेड कर रहे हैं और आप दोनों ही शेयर चल भी रहे हैं। अगर हम उसमें कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक को भी जोड़ दें, इन चारों बैंकों को के अगर चार्ट्स को आप एनालाइज करेंगे या फिर एनालाइज आप करते ही होंगे रेगुलर बेसिस पे, किसके चार्ट्स मजबूत हैं, मौजूदा लेवल से भी आपको कहां पर ज्यादा तेज ग्रोथ दिखाई देती है रिटर्न के मामले में? देखिए, कंपैरिजन अगर इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक का हो रहा है तो चुनाव करना बहुत ही आसान है। एक्सिस बैंक के साथ रहना चाहिए, काफी शानदार नंबर रहे थे और एक आउट परफॉर्मर रहा है ये काउंटर पिछले कुछ एक सालों में हमने देखा है। तो यहाँ पे अगर देखें तो एक्सिस बैंक में अभी भी अपसाइड हमें नजर आती है, लगभग 950 से लेके 1000 तक के लेवल हमें एक्सिस बैंक में देखने को मिल सकते हैं। अगर कंपेयर करें ICICI बैंक, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक से, तभी भी मैं कहूंगा कि एक्सिस बैंक के बाद अगर सेकंड प्रीफर्ड बेट कोई होगी तो वो की ICICI बैंक की, और उसके बाद होगा HDFC बैंक। ICICI बैंक में भी देखिए चार्ट पैटर्न काफी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी हमें 1000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट सारी प्राइवेट सेक्टर बैंक में एक्सिस बैंक एक प्रीफर्ड बेट होगी और 950 से 1000 तक के टारगेट्स होंगे। ठीक है, एक्सिस बैंक पर नीलेश का भी भरोसा है और ये शेयर चल भी रहा है, आज भी मजबूत है। चलिए, इसी इस शो के इसके साथ ही इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे।